कल का हमारा प्रोग्राम है कि मतलब कि सरकार को आज 50 दिन हो गए लेकिन हमारी कोई सूद नहीं ले रही है। हम यहाँ ठंड में भी, बरसात में भी, धूप में भी यहीं पड़े हैं लेकिन अब तक सरकार का ऐसा कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं आया। अब हम कोई ठोस कदम उठाने वाले हैं सरकार के, अगर वो चाहे तो मतलब हमें बहाल कर सकती है, नहीं तो जो सरकार के ये आगामी चुनाव है उसमें उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। 50 दिन से ज़्यादा हमें यहाँ आज धरने पर हो गए हैं और हम गांधीवादी तरीके से यहाँ बैठे थे, लेकिन शायद सरकार हमें भगत सिंह बनाना चाहती है। तो मैं सरकार को अब ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि जल्द ही हम एक बड़ा कदम उठाएंगे जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी, क्योंकि शांतिवादी तरीके से हमने 50 दिन से हम ज़्यादा यहाँ बैठे हैं लेकिन सरकार ना तो यहाँ हमारी किसी तरह की कोई सूद ले रही है, ना ही किसी तरह की हमसे कोई वार्ता कर रही है। और एक तरफ से देखो ना, तानाशाही सरकार बन के बैठी है। तो मैं सरकार को पुनः चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर आप इसी तरीके से अगर बैठे रहे तो युवाओं को भगत सिंह बनने में टाइम नहीं लगेगा और जो हम बड़ा कदम उठाएंगे उसके जिम्मेदार फिर सरकार होगी। राजीव गांधी युवा मित्रों का लगातार कितने टाइम से धरना चल रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, घर परिवार छोड़ करके छोटे छोटे बच्चे लेकर के महिलाएं यहाँ बैठी हैं, युवा यहाँ बैठे हैं, उनके घर वाले उम्मीद कर रहे हैं कि कब राजस्थान सरकार एक अच्छा तोहफा देगी। लेकिन राजस्थान सरकार ने आज 52 और 53 दिन के लगभग होने को चले हैं लेकिन राजस्थान सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने ये कहा था कि हम रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, चिकित्सा देंगे, बढ़ावा देंगे, सब कुछ करेंगे। इसी मुद्दों को लेकर के राजस्थान सरकार सत्ता के अंदर आई थी लेकिन उन्होंने 5,000 युवाओं को बेरोजगार करने का जो काम किया है वो राजस्थान की नई सरकार ने किया है। और उन्होंने ये अखबारों के अंदर ये उपलब्धियाँ गिनवाई है कि हमने 5,000 लोगों को बेरोजगार करके ये हमने एक उपलब्धि हासिल की है। हम राजस्थान सरकार को कहना चाहते हैं ये युवा कोई कमजोर नहीं है। वो आप सोच रहे हो कि युवा है ये चले जाएंगे, युवा का अर्थ होता है उल्टा वायु, और वायु जिस साइड चल पड़ती है उस साइड फिर ये नहीं देखती कि अंजाम क्या होगा। आप समय रहते युवाओं की मांग माने, इन्हें बहाल करें और इन्हें रोजगार दे, क्योंकि सरकारें रोजगार देने का काम करती है, रोजगार छीनने का काम नहीं करती। युवा इसी उम्मीद के साथ आपसे ये उम्मीद करता है। अगर आपने समय रहते हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आने वाले लोकसभा चुनाव में हम इन्हें जवाब देंगे। इन्हें सरकार को पता लगेगा कि युवा क्या था, आपने युवाओं के साथ धोखा किया है। इस बात का आपको लोकसभा चुनाव के अंदर अगर बहाल नहीं करते हो तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा और युवाओं के सामने आपको सर झुकाना पड़ेगा। इसी बात के साथ इनकलाब जिंदाबाद। मेरा ये कहना है कि हम लगातार आज 2 महीने से धरने पर बैठे हैं और अभी सरकार ने अभी तक अपना कोई रवैया नहीं दिखाया है। तो जो अपनी हमारी जिले में अलग अलग ब्लॉक से जो कमेटी बन रखी है, हम आने वाले लोकसभा चुनाव में उस कमेटियों के हिसाब से कमेटी अलग अलग डिवीजन में अलग अलग ब्लॉक में ले जाके अपनी जो ये काम नहीं करेंगे तो वहाँ जाकर इनका बोर्ड तोड़ाने का काम करेंगे और आने वाले सरकार को हम जवाब देंगे। और सरकार ये कह रही है, सरकार के अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं आया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई हम किसी का पार्टी विशेष के व्यक्ति नहीं होकर हम एक कर्मचारी के रूप में हमने काम किया है। ठे ढाणी दूर ढाणी तक बैठे व्यक्ति को हर योजनाओं का लाभ दिलाया है, योजनाओं के बारे में बताया है और योजनाओं का लाभ दिलाने का काम किया है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हमें बहाल किया जाए।